हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ नए से स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो रिसेंटली अभी मैंने बाय किए हैं और उनका फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ऑलरेडी मैंने उनको 2 से 3 बार यूज़ कर लिए हैं। सो मुझे लगा कि एक हॉल टाइप का वीडियो भी हो जाएगा कि न्यू स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स मैंने कौन से बाय किए हैं और एक फर्स्ट इंप्रेशन भी मैं आपको बता दूंगी। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। सो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है मैंने बाय किया है वो है ब्रांड डॉक्टर शेद का, एंड दिस इज द हल्दी एंड हाइलोरिक एसिड सनस्क्रीन स्प्रे जो कि आता है SPF 50 के साथ। सो इसके अंदर 1% हल्दी एक्सट्रैक्ट है, 1% हाइलोरिक एसिड है। सो आई थिंक ये वीडियो जाएगा ना, उससे पहले मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, ये आते ही मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया और आई थिंक अभी 10 से 15 दिन हो गए हैं मुझे इसको यूज करते करते। और अभी समर का टाइम है तो मुझे लगा कि यार बेस्ट टाइम है, अभी सनस्क्रीन की बहुत ज्यादा सबको नीड होती है। ये प्रोडक्ट ना मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, मतलब इसको यूज करने के बाद फील भी नहीं होता है कि आपने कुछ लगाया है अपनी स्किन पे। इतना ज्यादा लाइट वेट इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता और ऑयली स्किन वालों के लिए तो यार सुपर्ब है। मतलब जब से आया ना तब से मैं दिन में अगर 2 से 3 बार मुझे ये अप्लाई करना पड़ रहा है तो मैं इसी को कर रही हूँ। और सनस्क्रीन स्प्रे है, दैट मीन्स कि अगर आप मेकअप वगैरह कर रहे हो, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम कुछ भी आपने लगाया है तो यू कैन डेफिनेटली री अप्लाई दिस। तो इस तरह की ये बॉटल के अंदर आता है और ये आपको इस तरह से स्प्रे करना होगा। लुक एट दिस, मैं आपको हाथ पे स्प्रे करके दिखा देती हूँ। इस तरह से बिल्कुल भी फील नहीं होता, एकदम वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है उसको, बहुत प्यारी सी एक फिनिश लुक छोड़ता है हाथ पे। आप देखो कितनी प्यारी सी शाइन आ रही है, बिल्कुल भी चिपचिपापन या ग्रीजीनेस ऐसे फील नहीं होता। कि ऑयली स्किन है, एक अच्छा सा सनस्क्रीन स्प्रे आप ढूंढ रहे हो ना तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। SPF 50 है, UVA एंड UVB दोनों रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगी आपका कोई भी स्किन का टाइप हो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो, इतना अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लगा। सो प्राइस के अकॉर्डिंग भी ठीक है, मतलब 699 इसकी MRP है और 100 ml आपको क्वांटिटी मिलती है। सो क्वांटिटी वाइज भी काफी अच्छा है, काफी लंबा चलेगा और स्प्रे फॉर्म में है तो बहुत इजी होता है यूज करना। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस, वो भी मैंने डॉक्टर शेद का ही एक सनस्क्रीन लिया है जो कि न्यूली लॉन्च है और ये है लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन। दिस इज द सेरेमाइड एंड विटामिन सी लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन, यू कैन सी। सो ये क्लेम कर रहा है कि 360 मिनट्स तक आपकी स्किन को सन की रेस से प्रोटेक्ट करेगा। सो इसको मैं फिलहाल अभी 3 से 4 दिन हुए हैं, 4 बार ही यूज किया है। इसके अंदर भी SPF 50 है, PA 4x+ है और इसके अंदर है 1% सेरेमाइड, 1% विटामिन सी एंड 1% हाइलुरोनिक एसिड। सो ये आपको मिलता है इस तरह की बॉटल वाली पैकेजिंग में। एंड इसका अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो ये नॉर्मली जैसे अपने क्रीम टाइप की कंसिस्टेंसी आती ना वो है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगा। मतलब आप देखो, आप कितना भी इसको अच्छे से रब कर लो ना, ये थोड़ा सा आपको अपने फेस पे हैवीनेस देता ही देता है। सो मेरा स्किन का टाइप ऑयली है बट उस अकॉर्डिंग मुझे ये इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। बहुत आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं इसको अपनी स्किन के अंदर ऑब्जर्व करने में। एंड इनफैक्ट आप देखो, थोड़ी सी व्हाइट कास्ट छोड़ता है ये, हल्का सा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, हल्का सा लगता है, बट इसका फॉर्मूला थोड़ा सा स्टिकी है और हैवी है। मतलब फेस पे थोड़ा सा हैवी लग रहा है, 3-4 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट अभी रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है पुणे में तो थोड़ा सा ह्यूमिड वेदर भी हो गया है, तो उस अकॉर्डिंग में मुझे अपनी स्किन के लिए ये इतना ओके नहीं लगा। मतलब ठीक ठीक लगा, बाकी मैं अभी थोड़ा सा दिन और यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं अपना फाइनल जो रिव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो यस, एंड नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस वो मंगाया है मैंने डॉटन की ये सेरेमाइड एंड हाइलुरोनिक स्किन बैरियर रिपेयर प्लस फेस सीरम। सो ये कुछ इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में मुझे मिला है। इसके अंदर है प्रोबायोटिक एंड राइस वाटर और ये क्लेम कर रहा है कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करेगा, रिपेयर करेगा। और इसके अंदर 5 तरह के सेरेमाइड्स है जो कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी मेंशन है। मैंने इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छे से पढ़ ली है, देख लिया है और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने नाइट टाइम स्किन केयर में फिलहाल। और ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, मतलब 1-2 बार मैंने यूज़ किया ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा लाइट है और ये कुछ आपको इस तरह की जेल क्रीम कंसिस्टेंसी में मिलेगा। और ये देखो आप, बिल्कुल भी ऐसे हैवी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी से स्किन के अंदर सॉकिन होता है। लुक एट दिस, सो बहुत अच्छे से नरिश भी कर रहा है, मॉइस्चराइज कर रहा है। इनफैक्ट इसके अंदर बहुत सारे सेरेमाइड्स है, 5 तरह के सेरेमाइड्स है ना। सेरेमाइड्स बेसिकली आपकी स्किन को रिपेयर करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। सो ये मैं नाइट टाइम में यूज कर रही हूँ। ये क्लेम कर रहा है कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है, बट मेरा स्किन का टाइप ऑयली है, बट मैं इसको यूज कर रही हूँ ना मुझे बिल्कुल भी ऐसे ऑयली या वैसा नहीं लगता है, एक हाइड्रेट लगती है स्किन, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। सो देखते हैं और यूज करके मैं आपको बताऊंगी।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस, दैट वन इज़ द शैम्पू। एंड इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी कि दी बी ब्लंट का शैम्पू का रिव्यू शेयर करो, और ये मैंने मंगाया है इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू, जो कि आपके बालों को डीपली नरिश करेगा एंड आपके बालों में शाइन प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर जोजोबा है, विटामिन ई है। तो यस, इसे मैंने 3 से 4 बार हेयर वॉश कर लिया है अपना। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मैंने बहुत अच्छे से देख ली है, सो उससे मैं इतनी ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुई। बाकी ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद ही बता पाऊंगी, क्योंकि मैं इसको ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रही हूँ। कभी नॉर्मल शैम्पू मैंने यूज़ किया है, अभी मैंने हेयर मास्क के साथ भी यूज़ किया था एक बार मैं विदाउट ऑयलिंग के साथ यूज़ कर रही हूँ, एक बार मैं ऑयलिंग के साथ यूज़ करूंगी। सो मतलब शैम्पू के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। सो अभी तक का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मतलब ओके है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा मुझे और इतना ज़्यादा मैं बोलूँगी कि बुरा भी नहीं है। बाकी देखते हैं लास्ट 10-15 दिन के बाद क्या इसका रिजल्ट मिलेगा मुझे। सो यस, एंड उसके बाद मैंने एक और मॉइस्चराइजर क्रीम मंगाई है, दैट वन इज़ फ्रॉम ब्रांड डर्माको, एंड ये है 5% प्रोपिलिन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। एंड ये जो पर्टिकुलर क्रीम है ना, इसका बहुत ज़्यादा हाइप है, अभी बहुत रिव्यू देखने को मिले थे और लिटरली मुझे यूज़ करना था। बोल रहे हैं कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने डे टाइम में, काफ़ी अच्छे से मैंने यूज़ कर लिया इसको। आई थिंक ये मुझे 10 से 15 दिन हो गए हैं यूज़ करते करते, तो थोड़ा सा और इसको खत्म करती हूँ। 75% यूज करने के बाद मैं आपको बताऊंगी, बाकी अभी तक मुझे काफी अच्छी लग रही है। ये बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है, ऑयली स्किन के लिए सुपरबली वर्क कर रही है। इनफैक्ट यूज करने के बाद मुझे किसी भी तरह का कोई एक्ने, मैं आपको बोलूंगी ये दोनों जो मॉइस्चराइजर है ना, इन दोनों को मैं यूज कर रही हूँ, इसको मैं डे टाइम में यूज कर रही हूँ, इसको नाइट टाइम में। सो दोनों के साथ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे मतलब स्किन पे ब्रेकआउट्स हुए हैं या स्किन पे थोड़ा सा डैमेज हुआ है। दोनों ही मतलब सेंसिटिव स्किन वाले डेफिनेटली इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, इतना अच्छा मुझे लगा। बाकी अभी और देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देगा, स्किन को कितना स्मूथ बनाएगा, बैरियर को रिपेयर करेगा या नहीं करेगा, वो मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइज, वो है डर्माको का, एंड दिस इज द पोर मिनिमाइजिंग प्राइमिंग सनस्क्रीन, जो कि ओपन पोर्स के लिए है और यूवी एंड यूवीबी दोनों रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके अंदर 4% नियासिनमाइड है, एंड ये क्लेम कर रहा है कि इसके अंदर सीबम कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, जो कि आपकी ऑयली स्किन के लिए काफ़ी सही रहेगा। मतलब जो आपका सीबम प्रोड्यूस होता है या जो ऑयलीनेस आ जाती है ना स्किन पे, उसको कंट्रोल करके रखेगा, एंड इसके अंदर कोई भी वाइट कस्ट नहीं है। तो इसको मैं अभी यूज़ नहीं किया है, ये मेरा ऐसा का ऐसा पैक्ड ही पड़ा है प्रोडक्ट। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लूँ, ये जो डर्माको के सनस्क्रीन है इनको यूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं इसको ट्राई करूँगी। सो ये अभी थोड़ा सा होल्ड पर रखा हुआ है। एंड नेक्स्ट मैंने मंगाया है फॉक्सटेल का एक ये मॉइस्चराइजर, दिस इज़ अ सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर। सो आई थिंक इस बार ना मैंने 4 से 5 मॉइस्चराइजर नए नए मंगा लिए हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है ना, तो सबको चाहिए कि एक अच्छा सा लाइट वेट मॉइस्चराइजर मिले, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए हो। या काफ़ी सारे कॉमेंट्स एंड डीएम मॉइस्चराइजर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने 4 से 5 मॉइस्चराइजर नए मंगाए हैं ट्राई करने के लिए। सो ये है सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर, इसके अंदर विटामिन सी है, नियासिनमाइड है एंड पेप्टाइड्स है। सो देखते हैं, ये भी मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, ऑलरेडी मैं 2 से 3 मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, तो इसको भी मैंने अभी होल्ड पर रखा है। सो सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट देगा। लेट्स सी, मैं आपको इसका एक बार बता देती हूँ टेक्सचर वगैरह कैसा है। सो ये थोड़ा सा ना आपको टिंट वाले फॉर्म में हल्का सा मतलब क्रीमिश कलर मिलेगा इसका। आई थिंक कैमरे पे तो विजिबल भी नहीं होगा इसका कलर, तो ये एकदम वाइट नहीं है, हल्का सा ये क्रीम टाइप का कलर है एकदम, और ये थोड़ा सा आपको शाइन प्रोवाइड करेगा, इसलिए आई थिंक ये वाला कलर इन्होंने दिया है। लुक एट दिस, सो हल्की सी शाइन आ रही है। लेट्स सी कि ये स्किन के अंदर सॉक इन होने में कितना टाइम लगाएगा। लुक एट दिस, थोड़ी सी शाइन नज़र आ रही है। सो देखते हैं इसको अच्छे से यूज़ करेंगे फिर ही बता पाऊंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है अगेन वो एक हेयर केयर प्रोडक्ट है, दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड मिनिमलिस्ट, एंड ये है फ्रिज कंट्रोल कॉम्प्लेक्स। एक ये हेयर सीरम है जो कि SPF 30 के साथ आता है, दैट मीन्स कि आपके बालों को भी ये सन की रेस से प्रोटेक्ट करेगा। इसके अंदर सेरेमाइड्स है, कैरेटीन है, आर्गन ऑयल है। सो ये मिलता है आपको अंदर कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। सो इसका डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे 10 से 15 दिन पहले मिल गया था और इसको मैंने अच्छे से 5 से 7 बार यूज़ कर लिया। उसके बाद मुझे लगा कि इसका रिव्यू वीडियो कर देना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करके मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, यूजलेस लगा, मुझे लगा नहीं कि ये वर्थ है। सो इसका रिव्यू मैंने डाल दिया है, ज़्यादा यूज़ करने से कोई मतलब मुझे लगा नहीं, क्योंकि हेयर सीरम ऐसी चीज़ है ना कि आप 2 से 3 बार लगा लो ना, आपको पता चल जाता है कि वो आपके बालों को टैंगल फ्री करेगा या नहीं करेगा, शाइन देगा या नहीं देगा, आपके बालों को स्मूथ बनाएगा नहीं बनाएगा। सो इसका रिजल्ट मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ब्रांड मिनिमलिस्ट का अगेन, और ये मंगाया है मैंने VCIP 12% फेस सीरम। सो इसको भी मैंने यूज़ करना अभी स्टार्ट नहीं किया है, ये पूरी पैकेजिंग मेरी पड़ी है। सो इसको अच्छे से 1 month यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी फेस सीरम का रिव्यू आप तभी शेयर कर सकते हो जब आप इसको अच्छे से 1 से 1.5 महीना यूज़ कर लो। सो इसको मैं तसली से यूज़ करूंगी, उसके बाद मैं अपना रिव्यू शेयर करूंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइज, दैट वन इज़ फ्रॉम ब्रांड डॉक्टर शेथ, एंड दिस इज द केसर एंड कॉजिक डेली पिगमेंटेशन करेक्शन क्रीम। सो इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे स्टिकर लगा है, मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, पीछे लगा देते हैं। एंड यस, इसके अंदर है केसर एक्सट्रैक्ट, 2% कोजिक एसिड है, नायासिनेमाइड है एंड ग्लाइकोलिक एसिड है। सो बेसिकली पिगमेंटेशन के लिए है। वी क्लेम कर रहा है कि आप इसको डेली यूज कर सकते हो। इसके अंदर वैसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिनको आपको वीकली यूज करना है या सेफ नहीं है आपके स्किन के लिए। सो ये आप डेली यूज कर सकते हो, जो कि आपके पिगमेंटेशन को फेड करेगा। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट तो काफी मुझे अच्छी लगी। कोजिक एसिड लिटरली पिगमेंटेशन पे वर्क करता है, नायासिनेमाइड भी ऑल ओपन पोर्स पे वर्क करता है, स्किन को इवन बनाता है। सो देखते हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट काफी अच्छी है। केसर है, केसर भी हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। ये इसका एक बार फर्स्ट इंप्रेशन देख लेते हैं। तो केसर एक्सट्रैक्ट है इसमें, बट वो केसर वाला कोई कलर वलर नहीं है, नॉर्मल जैसी हमारी क्रीम आती है ना वैसा ही कुछ है, मॉइस्चराइजर टाइप में ही है। सो लुक एट दिस, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब स्किन पे तो बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है, ग्रीजी नहीं लग रहा है, ऑयली नहीं लग रहा है। सो देखते हैं कौन से स्किन टाइप के लिए सूट करेगा और कैसा ये वर्क करेगा इसका। सो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आई थिंक 1 month यूज़ करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी कैसा इसका रिजल्ट है। सो यस गाइस, ये थे कुछ प्रोडक्ट्स, आई थिंक 10 से 12 प्रोडक्ट्स थे जो रिसेंटली अभी मैंने बाय किए हैं। कोई भी किसी भी तरह का स्पॉन्सर नहीं है, कोई भी ब्रांड से मुझे नहीं मिला है, सबको मैंने बाय किया है और सबको मैं अच्छे से तसल्ली से यूज़ करके अपना रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो यस, इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इनमें से 1 से 2 प्रोडक्ट के रिव्यू वीडियो आई थिंक अभी आपको मिल ही जाएंगे, तो देख लीजिएगा। बाकी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।